हुँदैन, सदनमा डेलिगेसन बोल्दैन, हाम्रो चिजहरू इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, त्यसको लागि उपस्थापन हुँदैन। आज केप 9 तारिक हिजो हुनु भइरहेको छ, अब केपमा हाम्रो के पोस्ट छ? उहाँ भनाइ भएको छ अफगानिस्तानबाट आएको, पाकिस्तानबाट आएको, बङ्गलादेशबाट आएको हिन्दू शरणार्थी सुन्दी जैन खिचहरूलाई चाहिँ सिखहरूलाई शरणार्थी दिने अरे। यो कुराहरूलाई विशेष गरेर हाम्रो भारतवासी गोर्खाहरूले पनि जान्नु जरुरी छ। हामी गोर्खाहरू न हामी अफगानिस्तानबाट आएको छु, न पाकिस्तानबाट आएको छु, न बङ्गलादेशबाट आएको छु। अब कुरा भयो यो केप हामीलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट भएर के फाइदा भयो? आज हामीले यदि गोर्खाहरूको सपना हाम्रो सपना भन्ने सरकारले यदि गोर्खाहरूलाई घुम जाने निरापत्ताको सुरक्षा दिन्छ भने त्यो केपमा गोर्खाको लागि स्पष्ट मेन्सन गराएर भारतीय गोर्खा उपाधि निक्ने हरेक गोर्खाको नाम एनआरसीमा अन्तर्भुक्त हुन्छ, अरू पनि कुराहरू हुन्छ। यो मैले यसको लागि बोलेको, आज भोलि आसाममा अलिकति टेन्सन भएको छ। हामी त 25 लाख गोर्खामा 24 लाख गोर्खाको परिवारको नाम हाले, तर बङ्गालमा आज, सिक्किममा आज, दार्जिलिङमा जस्तो जग्गामा, देहरादुनमा त हाम्रो एउटा गोर्खाको पनि त्यहाँ एनआरसी छैन। भोलिको दिनमा यस्तो अप्ठ्यारो तपाईँहरूले हुनसक्छ, त्यसको लागि आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यदि एनआरसी विषय लिएर केही सघाउ र सहयोगको वा नेतृत्वको वार्तालाप कोही अनुष्ठान विनुष्ठानमा तपाईँहरूले हामी सहयोग गर्ने पक्षमा छु। किनकि आसाममा आज 5 सालबाट एनआरसीको कार्यक्रम चलिरहेको छ। आज एनआरसीको भूतले आसामको गोर्खालाई सताएको भयो भने भोलि मलाई विश्वास छ भोलि दार्जिलिङको देहरादुनको गोर्खालाई पनि त्यो एनआरसीको भूतले चाहिँ सताउँछ। त्यसको लागि यो एनआरसीको मुद्दा, यो आइडेन्टिटीको मुद्दा म आशा राख्न चाहन्छु। हामी भारतीय गोर्खा भएर, हामी क्षेत्र भिन्न भिन्न भए तापनि, तर आइडेन्टिटीको लागि जुन चाहिँ लडाइँ हो, हामी एकत्रित रूपले हामी लड्नुपर्छ भनेर हामीले आजको पवित्र मञ्चबाट हामी भन्न चाहन्छु। हामीले विगत समयहरूमा तपाईँले देख्नु पाउनु भएको छ, त्यतिखेर जन्तर मन्तरमा गोर्खालाईको लागि आन्दोलन भएको छ, त्यतिखेर हामीले 100 मात्रामा हामी गोर्खा जनतासँग आसामी गोर्खाहरूले सघाएको छु। त्यतिखेर दार्जिलिङको आन्दोलन, त्यतिखेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलेको छ, हामीले आसाम बन्द गरेको छु, नर्थ इस्ट बन्द गरेर देखाएको छु। यदि हामीले यो सेन्टिमेन्ट दार्जिलिङको गोर्खाको लागि होइन, भारतीय गोर्खाको सेन्टिमेन्ट लिएर हामीले त्यसको लागि ती कुराहरू अहिले आसाममा समस्या भएको छ, भोलि दार्जिलिङ सिक्किममा हुनसक्छ। त्यसको लागि एकत्रित रूपले हामीले नेतृत्व कर्मकर्ता जनसाधारण हाम्रो भारतवासी गोर्खा अहिले तर हामी सुरक्षित छैनौँ। हामी आसाममा केही मात्रामा सुरक्षित हुने एउटै कारण छ, हामी 25 लाख जनसङ्ख्याको आधारमा धेरै गोर्खा छु भनेर मात्रै हामी उहाँ सुरक्षित छु। भोलि मणिपुरको गोर्खाको समस्या छ, अहिले अरुणाचलको समस्या छ, अहिले अरुणाचलको विभिन्न समस्याहरू छन्, उहाँहरू आउनु पाउनु भएन। र यस समस्याहरूमा म फेरि पुनर्वाद हेर्नु तपाईँहरूले आज पाएको छु मञ्चबाट, हामीले अलिकति बाहिर गए तापनि यो इस्युबाट म अपिल गर्न चाहन्छु, म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी एकत्रित रूपले हामी आन्दोलन चर्काउनुपर्छ। अनि सारा क्षेत्रमा हामीले गोर्खा जातिको आइडेन्टिटीको लडाइ हो। आज आसाममा त्यो चिजको कुरा चलिरहेको छ, सांविधानिक सुरक्षा कवच अरे, भोलि उहाँ पनि उर्कै हुनसक्छ। अब एनआरसीको भूतले हामी सधैँ जाने समयसम्ममा फेरि सांविधानिक सुरक्षा कवचले 100% को हामीलाई त्यो जवाब चाहिएको छ बिजेपी सरकारदेखि। आज रोइथाने आज 100-104 दिन बसोबास गर्ने यस गोर्खाको सन्तानले आज अब देशको लागि, यो देश राज्य निर्माणको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि सियासीले दिएर सभ्यले सदस्यलाई स्वागत भएको यो गोर्खा जनमुष्टिको नाम आज एनआरसीबाट वञ्चित गर्नु खोजिरहेको साथ हामीले हटाउनु गइरहेको छ। हामी भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू केवल भोटर भएर हामी बाँच्नु खोज्दैनौँ, हाम्रो भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू स्वाभिमानको साथ बाँच्नु खोज्छ दाजुभाइ। हामीलाई यो आज समय आएको छ, तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आज मणिपुरको समस्या, आज अरुणाचलमा हाम्रो गोर्खाको सन्तानले एमएलए खेल्नु पाउँदैन, मिनिस्टर हुनु पाउँदैन, आज राजनीतिक मर्यादा आदाय गर्नु पाउँदैन, कोही एउटा ठाउँ छ एउटा यदि भारतवर्षको कुरा गर्नुभयो भने दार्जिलिङ पनि आसामको मान्छेले एमपिएमएलए गर्नु पाउने अरे। अरे भारतवर्षको कुनै एउटा ठाउँको कुनै गाउँमा हाम्रो यदि गोर्खाको सन्तानमा एबिलिटी छ, त्यो भारतवर्षको होइन, हिन्दू जाति जनगोष्ठी हाम्रो गोर्खाले न्याय मर्यादा पाउनु पर्ने हो कि होइन तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। आजको तारिकमा आसाममा हुनु गइरहेछ क्लोज 6 अन्तर्गत इन्डिजिनियस कम्युनिटीको लागि मात्रै रिजर्भेसन अरे। हाम्रो अहिले माग छ अखिलेश गोर्खा छात्र सङ्घको, यो युवा सङ्गठनको एउटा मुख्य माग हो,
असम्म बसोबास गर्ने सौ सौ सालदेखि बसोबास गरेर यो राज्य राष्ट्रको लागि निर्माणको लागि त्याग र बलिदान दिने हाम्रो वीर पुरुष हाम्रो शहीद त्याग र बलिदानको हामीले आज हिसाब मागेको छौँ। हामीले हामीलाई पनि आधार कम्युनिटीसँग इन्डिजिनस राख्नुपर्छ। हामी इन्डिजिनस आसामिज भएर बस्नु खोज्दिनौ, हामी इन्डिजिनस आसामिज भएर यहाँ बस्नु खोज्दिनौ, किनकि इन्डिजिनस गोर्खा भएर हामी बाँच्नु खोज्छौँ। हामी आज बारेमा रेडिमेडमा बाँच्नु खोजेको छुइनँ। तपाईँहरूले पनि म आशा राख्छु विभिन्न राज्यबाट आउनु भएको गोर्खाहरूलाई, तपाईँहरू पनि गोर्खा भएर बाँच्नु, भारतीय गोर्खा भएर। हामी भारतीय भएर बाँच्दा पनि भारतीयको स्वाद कसैले लिइरहेको छ। हामी आसामवासी भनेर पुरै 3.5 करोड गोर्खा हामी आसामिया भएर हामी गोर्खाहरू असमिया भएर बसिरहेको छ। तर गोर्खाको कुरा के थाहा छ, त्यसको बेनिफिट तर गोर्खाले केही पनि पाएको छैन। र आज गोर्खाको मान छ, हामी असमवासी गोर्खालाई छुट्टो एउटा मर्यादा चाह्यो, यही मूल माग हो। हामीलाई भने यति दियोस् यति दियोस् नो प्रब्लम, तर गोर्खाको छुट्टो एउटा युनिक आइडेन्टिटी हामीलाई चाहेको छ आजको तारिखमा। किनकि एउटा जाति दिनुको लागि एउटा युनिक आइडेन्टिटी हामीलाई चाहेको छ, संवैधानिक मर्यादा दिन एउटा जाति धेरै दिन बाध्यता दाजुभयो। र यी कुराहरू मैले यसको लागि म लम्ब्याएर बोल्यौँ, किनकि यी कुराहरूलाई संमिश्रित रूपले तपाईँले यसमा सघाउ र परामर्श तपाईँले दिनुहोस्। र यी उपरान्त कुनै पनि न्युजमा कुनै खालको बाइट नदिनुहोला, नभए अलिकति हाम्रो किसिममा हाम्रो डाइभर्ट हुन्छ। मैले देख्नु पायो किसिमलाई नजानेर पनि धेरै कर्मकर्ताहरूले हाम्रै विभिन्न क्षेत्रबाट आएकोहरूले एउटा माइक पाए भनेर बोलिहाल्छ, तर इस्युलाई नजानेर यत्तिकै बोल्ने होइन। राष्ट्रको कर्मकर्तालाई पनि म आभार राख्न चाहन्छु, पत्रकारलाई बोल्नुको लागि जसलाई जसलाई मौका दिएर जाऊ, जसले कन्सेप्टको विषयमा थाहा छ, जो नेतृत्वलाई उहाँलाई जो चिजहरूमा थाहा छ, तीलाई मात्रै बोल्ने एउटा मौका दिएर जाऊ। अब पत्रकार भाइहरूलाई जति पनि आउनु भएको छ, दार्जिलिङ आउँदाखेरि अलिक रेस्पिट पनि अलिक साइडमा भनेर बोल्न दिएर जाओस्, किनकि हाम्रो यो धर्ना 3 बजीसम्मको हो। यो धर्नालाई हामीले एउटा महत्त्व एउटा छ, यो धर्नाको एउटा यो धर्नाले आउँदो दिनहरूमा गोर्खा जाति आसामवासी गोर्खा जातिको लागि एउटा ऐतिहासिक क्षण हुनेछ। ती कुरालाई अगाडि राख्दै तपाईँहरूले सुझाव र परामर्श दिनुहुन्छ भनेर आशा र विश्वासको साथ मेरो भन्या यतिमा चिनाइदिन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। र यसको पछि नै म मूल सचिवलाई साथमा लानु आउनुहुन्छ। हाम्रो मजामा हुनुहुन्छ चितपुल एसको प्रेसिडेन्ट सम्मान्य किरण विज्ञज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। तपाईँ अन्जु बर्देवा गोर्खे चेलीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। पिरिता लेप्चा जिएस चितपुल एसको, उहाँलाई पनि आएर मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। तपाईँ আমার মাঝে সম্মানীয় সংকট মহোদয় আছে, তেখেতর সময় নাতনি, রিকুয়েস্ট করে অনেক সময় রাখিল, তেখেতর বক্তব্য দাঙি ধরবলে মই অনুরোধ জানালো। हाम्रो आसामबाट आउनु भएको मेरो गोर्खा दिदीहरू भाइहरू, अरू मेरो साथीहरू मुद्दा समस्यालाईको सिरियसै हो, त्यस्तै पनि समाधान मैले यता खाएर भने रिपोर्टरहरूलाई प्यारले भनेको कि म यो समस्या गोर्खाको समस्या पार्लियामेन्टमा उत्थापन गर्छु नेक्स्ट विकमा। यदि पार्लियामेन्ट शान्तिपूर्ण हुन्छ तहले यो समस्या सुन्दैन, यदि क्याबको लागि गन्डगोल भयो त
अलिकति समस्या हुन्छ है सेसनमा आईडी लगा ले सर। बार बार एनआरसी का प्रदर्शन यहाँ पे जनता में सब लोग होता रहता है, आक्रोश में लोग मिलते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है क्या? देखिए हम आसाम से और आसाम से उठाई से मिले हुए अखिल समझौता खाता हूँ मैंने दिल्ली जनता मतलब पता चल रहा है आसाम पैसा। तो देखिए आज में दिल्ली सरकार बोल रहा है कि एनआरसी होगा नहीं होगा, और 5 साल से जो एनआरसी बन गया था मैक्सिमम बन गया था उसके बाद बोल रहे हैं ये इनकम्प्लीट एनआरसी है। इसमें हम लोग का यही कहना है एनआरसी का चैप्टर अलग है, एनआरसी अगर बने तो हर एक कम्युनिटी लेके बनेगा, तो इसमें जो जो कॉम्प्लिकेसी है वो लोग सरकारी संभालेगा। लेकिन देखिए जो इंडियन जो गोरखा है आसाम का जो जेन्युइनली जो 100 साल से रह रहे हैं उनको बेवजह उनको डाउटफुल सिटीजन का करार दिया गया है। 1997 में जो असम सरकार और भारत सरकार मिलकर के जो उसका एजेंसी ने हम लोग का गोरखा कम्युनिटी को डी भूटान लगाया था डाउटफुल सिटीजन बोल के, तो भारत का कोई संविधान में ये चीज़ नहीं है जो कोई भी गोरखा को डाउटफुल बना नहीं सकता है, और वहाँ का जेन्युइन जो इंडिजिनियस गोरखा है वो लोग डी भूटान का नाम में आज में एनआरसी का नाम पर जो हरसमेंट हो रहा है इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। और हम लोग को कहना अभी देखिए अदर कम्युनिटी का जैसे जो चल रहा है जो एसटी डिमांड का आज का डिमांड गोरखा का नहीं है आसाम में, जैसे सिक्किम और दादिनी का गोरखा का डिमांड जैसा जनजाति का उनका डिमांड है तो आसाम का सेम डिमांड आसाम में भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे आसाम में 6 कम्युनिटी का जनजातिकरण होने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं भारत सरकार को यही अपील करना चाहते हैं कि 6 कम्युनिटी के साथ गोरखाओं को भी वो लोग इंक्लूड किए, क्योंकि लास्ट टाइम 2016 में 2 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था भारतवर्ष में रहने वाले हर गोरखा को जनजातिकरण दिया जाएगा। लेकिन देखिए आज में आसाम में जो हो रहा है अदर कम्युनिटी के लिए जो सोच विचार है लेकिन गोरखा के लिए सोच विचार सही नहीं है, तो इसीलिए हमें भारत सरकार को हम आग्रह करना चाहते तत्काल जब उसका गवर्नमेंट एजेंसी जाके वेरीफाई करे या गोरखा को उसमें एसटी ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग बार बार प्रदर्शन करने के बाद हर बार आप लोग मेमोरेंडम देते हैं और बार बार यही मांग करते जो अभी आपने कही है, कारण क्या है, क्यों सुनी क्यों नहीं जाती है, कारण क्या है? देखिए हम लोग गणतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं, गणतांत्रिक ढंग से हम लोग विशेष कर गोरखा लोग शांति से जाते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, आसाम में 25 लाख गोरखा है, 1-2 हज़ार नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार समझ जाओ भाई, नहीं तो 21 में आपका सपना लेकिन सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि आसाम में देखिए 126 विधानसभा सीटें हैं उसमें 45 सीट में गोरखा का डोमिनेंसी है। अगर ये चीज़ में अगर आसाम सरकार और भारत सरकार अगर अभी भी नहीं समझेगा जैसे महाराष्ट्र में जैसे हालत हुआ बीजेपी सरकार का, उस तरह का सरकार हम आसाम में गोरखा लोगों ने हम करके दिखाएंगे। इसमें आज तारीख में हम लोग प्रस्तुत भी है और हम लोग सक्षम भी है, और हम लोग का जनजातिकरण को मांग जो है हम लोग मुख्य मांग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ का जितनी भी हम आसामवासी भले हो वहाँ का ब्राभा का यूनिक आइडेंटिटी अलग है, बोडो का यूनिक आइडेंटिटी अलग है, वहाँ का तिवा बोल के जितनी भी जनजातिकरण है जाती है वो लोग यूनिक आइडेंटिटी दे करके सांविधानिक मर्यादा दिया गया है, लेकिन गोरखा को आज तक सांविधानिक मर्यादा दिया नहीं गया है। इसलिए गोरखा छात्र संघ का मेन डिमांड जनजातिकरण शीघ्र दिया जाए, और हम लोग का ये मांग हम लोग का डिमांड नहीं है, हम लोग का ये हक है, ये हक हम लोग को मिलना चाहिए। कितने एमपी आए आपके यहाँ? यहाँ अभी तक 3 MP आ चुके हैं, वो लोग अपने भाषा में बोल रहे हैं कि हम लोग सांसद में ये सदन में ये चीज़ उठाएंगे, हम लोग देखेंगे। अभी ये तो आगे मंच में दो तीन बार बताए कि हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है, जब तक जाके वो सदन में जाके ये चीज प्लेस नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसमें हम मंजूर नहीं होंगे। और आसाम में अभी भले 1400 MP है उसमें 7 MP बनाने में 100% किंग मेकर गोरखा कम्युनिटी है, इसलिए हम लोग इतने भी कॉन्फिडेंस है अगर वो लोग हम लोग का डिमांड नहीं पूरा किया वो लोग का सपना भी सपना ही होकर रहेगा, ये पूरा ये बात इस वक्त है। थैंक यू वेरी मच। দৃষ্টিভংগী গতিকে ইমান ভয়ও কৰিব নালাগে, কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰো হৈ যাব পাৰে, দুইটা বস্তু ইয়াত
মানে কিবা হয়ে আছে আনফালিটি বহুত সহজ আর আনফালিটি সবলে যায় বহুত ডেঞ্জারও হব পারে ভবিষ্যতের কারণে গতি সেইটার কারণে এই সমস্যা সিরিয়াস আর মানে সিরিয়াসলি লইছো আর সেইকারণে ইয়াত আহিও মানে কইছো সেদিন আমার প্রেম ভাই সকলের কথা পাতোতে এইটাই কইছো যে এতিয়া আমি অকল আন্দোলন মাত্র নহয় অলপ স্ট্রেটেজি হিসাবেও আমি যাব লাগিব কোন কোন অথরিটি কোন কোন মানুষ কোন মানুষে ইনফ্লুয়েন্স করব পারে যে মানুষবিলাকক আমি খুজনি দিলে তেওঁলোকে আমার হয় প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ভালদরে বুঝাই ফেলে এই সমস্যাটো সহজভাবে সমাধান করে দিব পারে গতি দুই লাইনত আমি কাম করব লাগিব আন্দোলনও থাকিব আর স্ট্রেটেজিকভাবে আমার কিছু জানা শুনা মানুষ বিলাকেও আমার যিনি দেশের মুরব্বী এই মুরব্বী সকলের গই পার একটা রাস্তা আমি উলিয়াব লাগিব ইয়ার বাদে অন্যান্য সমস্যাবিলাক আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান হব লাগিব আসাম চুক্তির ছয় নম্বর দফার কথা আছে কমিটি বনাইছে কনসালটেশন করে আছে আমার বর্ষা আসু তরফের অন্যান্য বর্ষা কমিটির লোক ধরেছে গতি এইরকম চা যাক এই কমিটির লাস্টলি ড্রাফ্টগুলো কি করে আর সেই ড্রাফ্ট মানে গর্খাসকল মর্যাদাটা কি ধরনের থাকি তো নিশ্চয় সে আলোচ্যর বিষয় হব তথাপিও মই আশা রাখিছো যে যিখিন খিলঞ্জীয়া মানুষ আছে যাক আমি খিলঞ্জীয় বলে কইছো বাসিন্দা অরিজিনেল এই মানুষখিনি সবাই তার অন্তর্ভুক্ত হব লাগে জাতির নাম যে নহক কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ভুল বুঝি থাকে জাতি জাতি হয় কিন্তু বাকি বাকি হয় গতি আজি বাকি হিসাবে মর্যাদাটা সবাই পাব লাগিব জাতি আমি নির্ণয় করব নয় জবরদস্ত কাক বা কিনা একটা জাতি লিখিলেও আইনগতভাবে পিছক আমি এই অধিকারটা নাপাওগে ইয়ার বাকি হিসাবে যিমানখিনি আমার অসমক যাক খিলঞ্জীয়া বলে কবলে গেছে এই খিলঞ্জীয়া যাহাতে অসমত অসমত করে অহা যুক্তি উপস্থাপন করে অহা মানে জাতিবিলাকে যাতে